को हम पढ़ेंगे कॉइल यूज्ड इन एमआरआई। तो सबसे पहले जो है वो कॉइल देख लेते हैं। कॉइल क्या चीज़ होती है? कॉइल होता है एक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट हार्डवेयर, हार्डवेयर को वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं। तो सिंपल कॉइल पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या होती है। ये देखें इस तरह, ये है सिंपल कॉइल हमारे पास, ठीक है। आरएफ कॉइल मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स, ये किस लिए यूज़ होती है? टू अचीव रेजोनेंस, रेजोनेंस अचीव करने के लिए। रेजोनेंस क्या होती है? जब दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो हमारे पास रेजोनेंट क्रिएट हो जाती है। आरएफ कॉइल्स की थ्री टाइप्स हैं, आरएफ ट्रांसमीटर कॉइल, आरएफ रिसीवर कॉइल और ट्रांसीवर, ये थर्ड टाइप है। नाम से पता चल रहा है आरएफ ट्रांसमीटर कॉइल, कॉइल आरएफ कॉइल जो ट्रांसमिट करती है सिग्नल। ट्रांसमिट मतलब भेजना। और आरएफ रिसीवर कॉइल रिसीव करना, मींस जो सिग्नल जो है वो रिसीव करती है। और ट्रांसीवर जो ट्रांसमिट भी करती है और रिसीव भी करती है एट अ टाइम, एक ही वक्त में जो है ये ट्रांसमिट भी करती है और रिसीव भी करती है। इस दोनों को मिला के इसका नाम रख दिया हुआ है ट्रांस, ट्रांसमिट से ट्रांस और रिसीवर से रिसीवर, ट्रांसीवर। तो ये हमारे पास होती है आरएफ कॉइल्स और इसकी हमारे पास थ्री टाइप्स, आरएफ ट्रांसमीटर, आरएफ रिसीवर कॉइल और ट्रांसीवर। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वॉल्यूम कॉइल्स। वॉल्यूम कॉइल्स में हमारे पास क्या चीज़ होती है? डेडिकेटेड कॉइल्स। डेडिकेटेड कॉइल्स का क्या मतलब होता है? कि किसी हर किसी रीजन के लिए, हर किसी रीजन मतलब एरिया के लिए बॉडी के एक स्पेसिफिक कॉइल होती है, उसको हम कहते हैं डेडिकेटेड कॉइल। फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये ऐसी कॉइल होती है एक। अच्छा, ये हमारे पास यूज़ होती है एंटायर एनाटॉमी देखने के लिए। और एंटायर एनाटॉमी में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? हेड, एक्सट्रीमिटी और टोटल बॉडी इमेजिंग। एक्सट्रीमिटी हमारे पास होती है ये, आर्म्स प्लस लेग्स के स्ट्रक्चर्स। इसमें मतलब हमारे पास मतलब रिस्ट और एल्बो देखने के लिए। और लेग्स में हमारे पास नी, एंकल और फुट देखने के लिए। इसके बाद वॉल्यूम कॉइल में तीन कॉइल्स बताई गई हैं, बॉडी कॉइल्स, हेड कॉइल्स, एक्सट्रीमिटी कॉइल्स। बॉडी कॉइल्स में हमारे पास होती है सैडल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हेड कॉइल्स हमारे पास होती है बर्ड केज कॉइल। और एक्सट्रीमिटी कॉइल हमारे पास हैं, ये भी इनकी सैडल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे भी मैंने इन तीनों को डिवाइड करके लिखा हुआ है पॉइंट्स में। हमारे पास ये कौन सी बॉडी कॉइल में साइलेंट्रिकल अरे होती है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एलिमेंट होता है, पोजीशन अराउंड इनर सरफेस ऑफ बोर मैग्नेट, यानी इनर साइड पे हमारे पास जो है वो ये लगी होती है। और ये आरएफ ट्रांसमीटर कॉइल है, आरएफ ट्रांसमीटर कॉइल है, यानी कि क्या करेगी? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी, सिग्नल को ट्रांसमिट। ठीक है, सैडल शेप या बर्ड केज शेप, बर्ड केज कॉइल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, बर्ड केज कॉइल मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी होती है ये बर्ड केज कॉइल, यानी एक पिंजरे की तरह ये चारों तरफ आ जाती है। और ये मल्टी चैनल कॉइल है, और मल्टी चैनल कॉइल क्या करती है? रिसीव सिग्नल्स ओनली। ये बात याद रखनी है, ये क्या करती है? रिसीव सिग्नल ओनली। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सट्रीमिटी कॉइल। एक्सट्रीमिटी मैंने बताया था कि हमारी जो अपेंडिजेस होते हैं उनको स्कैन करने के लिए, उनका एमआरआई करने के लिए जो हम कॉइल यूज़ करते हैं वो एक्सट्रीमिटी कॉइल्स होती हैं। ये भी सैडल कॉन्फ़िगरेशन की होती है और आर कॉन्फ़िगर टू अकोमोडेट द साइज ऑफ अडल्ट नी, यानी कि जो बड़ों का घुटना होता है उस साइज़ की होती है। और ये किस लिए यूज़ होती हैं? कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक्सट्रीमिटीज़ की इमेजिंग के लिए, नी, एंकल, फुट, ठीक है, और अपर एक्सट्रीमिटीज़ भी, यानी कि आर्म्स से भी रिलेटेड हैं ये, एल्बो और रिस्ट के लिए भी ये यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे इसने ये लगाई हुई है कॉइल,
नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस कॉइल। ये सरफेस कॉइल जनरली रिसीव करती है, ठीक है, और सरफेस का मतलब है कि ये सरफेस पे होती है, सतह पे होती है। अच्छा, कॉइल कॉन्फिगर्ड विद सिंपल लूप, जब इसमें एक लूप आ जाता है ऑफ अनदर वायर कंपोनेंट का, तो ये इसे हम कहते हैं लीनियर कॉइल ऑफर हाई SNR रेशो। SNR रेशो होता है सिग्नल टू नॉइस रेशो, क्योंकि ये जो है ये सरफेस के बिल्कुल साथ होती है, ठीक है, और स्मॉल एरियाज में लगती है, तो वहाँ से जो है ना ये नॉइस डिटेक्ट कर लेती है बहुत ज़्यादा। दे आर पोजिशन क्लोजर टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो जगह होती है जिस जगह का हमने स्कैन करना होता है, वहाँ पे ये हम लोग लगाते हैं। और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? स्पाइन, शोल्डर्स और टेम्पोरो मैंडिबल मैंडिबुलर, इन जगह पे हम ये सरफेस कॉइल यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास SNR आ रही है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत ज़्यादा आ रही है, वो किस तरह हम जो उसको इम्प्रूव करेंगे? क्वाड्रेट डिटेक्शन से, और दूसरी बात ये है कि सरफेस कॉइल लगा के, सरफेस कॉइल लगाएंगे तो हमारे पास जो है SNR रेशियो जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी। जैसे टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट में, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट में हम लोग ये लगाते हैं। आई थिंक ये चीज़ है, ये देखें यहाँ पे, ये टेम्पोरल साइड पे और ये मैंडिबल साइड पे, ये जो हमने लगाई हुई है, मेरे ख़्याल से इसको हम कह रहे हैं सरफेस कॉइल। तो इस सारी बात का इन शॉर्ट में हमें क्या पता चला कि कॉइल जो है वो जितना स्ट्रक्चर के करीब होगी उतनी सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेल होल्ड स्पेयर कॉइल, ऐसे ही शायद प्रोनाउंस करते होंगे इसे। अच्छा, ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी। एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसमें जो है ना हमारे पास टू आइडेंटिकल सर्कुलर मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं, इस तरह करके दो हमारे पास कॉइल होते हैं एक जैसे, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है एच होता है, ये दोनों जो हैं वो सेम साइज की होंगी, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एच होंगी, और ये इनका जो रेडियस है वो इक्वल टू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एच होगी इक्वल टू रेडियस आर की है। ये टू आइडेंटिकल सर्कुलर रिंग है, और ये इनमें जो है ये डिस्टेंस है एच और ये इनका रेडियस है। इसे हम कनेक्ट करेंगे मशीन के साथ, तो इसमें इक्वली करंट जो है वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सवेल पेयर कॉइल। टू कॉइल्स होंगे कंबाइंड विद B1 फील्ड। B1 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें हमारे पास सेम डायरेक्शन थी, और ये वाली में हमारे पास मैक्सवेल में हमारे पास क्या है, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ अलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड, अलमोस्ट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो है हम लोग कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है और कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, इसमें लिए हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी कॉइल्ड एलिमेंट। इसमें मल्टीपल रिसीवर होंगे पैरेलल इमेजिंग के लिए। पैरेलल मतलब ऐसे सीधी सीधी, पैरेलल इमेजिंग के लिए। जनरली जो रेंज ऑफ एरिया डैट कैन बी इमेज इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ कॉइल। जितना हम लोग जो है वो कॉइल लगाएंगे हमारे पास उतनी ही इमेज की रेंज आ जाएगी। जितना जितना कॉइल में एरिया कवर होगा ना उतनी हमारे पास जो है वो इमेज आ जाएगी। द यूज़ ऑफ मल्टीपल कॉइल। अच्छा, मल्टीपल कॉइल हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? रिस्ट में, शोल्डर इमेजिंग में, ये यहाँ पे जो है वो हम मल्टीपल कॉइल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फेज्ड अरे कॉइल। इसमें मल्टीपल कॉइल एलिमेंट होते हैं और ये मल्टीपल रिसीवर है, यानी ये सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करती, ये सिर्फ रिसीव करती है। देखें, ये हमारे पास है फेज्ड अरे कॉइल। ये कॉइल्स जो होती हैं इसको हम लोग लगा के एरिया ऑफ रीजन के ऊपर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लगा के, तो हम इसको मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ से ये सिग्नल ट्रांसमिट भी करती हैं और रिसीव भी करती हैं। इस तरह ये कॉइल्स काम करती हैं।
देन फेस्ड अरे को भी हमने डिवाइड किया हुआ दो में, वॉल्यूम अरे और लीनियर अरे। वॉल्यूम अरे में हमारे पास है पेल्विक फेस्ड अरे, ब्रेस्ट कॉयल, कार्डियक अरे और टेम्पोरो मैंडिबल, ये हमारे पास है वॉल्यूम में। और लीनियर में हमारे पास है, वॉल्यूम मतलब 3D ना, तो इसका मतलब 3D में हमारे पास ये वाली कॉयल्स है, और लीनियर का मतलब है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट में हमारे पास कौन सी कॉयल होगी, स्पाइन फेस्ड अरे कॉयल। इसमें जो है वो हम लोग सर्वाइकल से लेके लंबो सैक्रल जॉइंट तक सारा हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने समराइज किया हुआ समरी ये पूरी स्लाइड को कॉयल्स वाली, लार्ज कॉयल्स में और स्मॉल कॉयल्स में। लार्ज कॉयल किस लिए यूज़ होगी, लार्ज एरिया को कवर करने के लिए, जैसे नाम से पता चल रहा है लार्ज कॉयल, लार्ज एरिया को कवर करने के लिए। और स्मॉल कॉयल हमारे पास किस लिए यूज़ होगी, स्मॉल एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है ये। और इसमें जो है लार्ज एरिया, तो इसमें जो है हमारे पास है इलेजिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। स्मॉल FOV अगर हम रखेंगे तो इलेजिंग ज़्यादा होगी। इलेजिंग ज़्यादा होने का क्या मतलब है, इलेजिंग ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है इलेजिंग होने की वजह से हमारे पास आएगा रैप राउंड आर्टिफैक्ट। और स्मॉल कॉयल्स में क्योंकि ये स्मॉल एरिया को कवर कर रही है तो इसमें जो है वो इलेजिंग कम होगी। नेक्स्ट लार्ज कॉयल है, तो लार्ज कॉयल ईजी होगी हमारे पास, पेशेंट की पोजिशनिंग क्रिटिकल नहीं होगी। लेकिन जो स्मॉल चीज़ें, जाहिर बात है स्मॉल चीज़ों को कवर करना है, तो उसके लिए पेशेंट की पोजीशन भी क्रिटिकल होगी और कॉयल भी क्रिटिकल होगी, क्योंकि कॉयल छोटी होगी उसको पोजीशन पे लगाना होगा और वो हिले ना, इस वजह से उसकी क्रिटिकल पोजीशन होगी। लार्ज कॉयल है तो जाहिर बात है स्पेस होगी, जैसे हम चेस्ट पे कॉयल रखते हैं तो चेस्ट और कॉयल के दरमियान काफ़ी स्पेस आ जाती है, तो उसमें हमारे पास SNR रेशियो जो है ना वो लो होगी, सिग्नल टू नॉइस रेशियो फॉर लेसर रेजोल्यूशन के लिए। और स्मॉल कॉयल क्योंकि ये एरिया के बिल्कुल साथ जाएगी, ठीक है, और इसमें हाई रेजोल्यूशन होगी तो SNR सिग्नल टू नॉइस रेशो वो भी ज़्यादा होगा। अच्छा लार्ज कॉयल हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूज इन द एग्जामिनेशन ऑफ टॉर्सो वेयर सिग्नल कवरेज इज नेसेसरी है, चेस्ट एब्डोमिन में हम लोग यूज़ करते हैं। टॉर्सो कॉयल हम कहाँ यूज़ करते हैं, चेस्ट और एब्डोमिन में, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे पास है टॉर्सो कॉयल। और स्मॉल कॉयल हम किस में यूज़ करते हैं, स्मॉल एरिया की कवरेज के लिए, यानी रिस्ट स्पाइन और नी के लिए। ये हम देख रहे हैं कैसे हेड ये वाली कॉयल यूज़ की गई है, ये इसको हमने बर्ड केज कॉयल कहा था, ये MRI मशीन में रखी गई है। इस तरह से हमने डिफरेंट कॉयल्स पढ़ ली हैं सारी। ये हमारा कॉयल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।